यह तो सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था, परंतु इसके पीछे एक और वजह है। जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर ये जरूर बताइए कि किस किस को इस राज के बारे में पता था। जैसे कि हम सब जानते हैं कि गोवर्धन पर्वत को गिरिराज महाराज के नाम से भी जाना जाता है और इन्हें साक्षात श्री कृष्ण का स्वरूप माना गया है। इसका कारण यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा तिथि को गोवर्धन रूप में अपने पूजा किए जाने की बात कही थी। यह घटना उस समय हुई थी जब इंद्र के कोप से गोकुलवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने गोवर्धन को अपनी छोटी उंगली पर उठा लिया था। बहुत कम लोग यह बात जानते हैं कि इस घटना के पीछे हनुमान जी का भी हाथ था। दरअसल त्रेता युग में जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया तो उनको 14 वर्ष का वनवास भी हुआ था। उस 14 वर्ष के वनवास के दौरान रावण ने माता सीता का हरण भी किया और उनको अपने साथ लंका ले गया। अब क्योंकि माता सीता को रावण की कैद से छुड़ाने के लिए भगवान श्री राम को लंका जाना पड़ा और लंका जाने के लिए उनको रास्ते में जो एक विशाल समुद्र पड़ता था उसको लांघना भी पड़ा, लेकिन उसको लांघने के लिए उसके ऊपर पहले एक विशाल सेतु बनाना पड़ा, जिसके लिए भगवान श्री राम ने वानर सेना का सहारा लिया। वानर सेना ने भगवान श्री राम के नेतृत्व में उस विशाल समुद्र के ऊपर एक विशाल सेतु बनाया और जाहिर सी बात है कि उस सेतु के लिए बहुत से पत्थरों की आवश्यकता थी, तो इसलिए भगवान श्री हनुमान जी हिमालय पर गए और एक पर्वत वहां से उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। मार्ग में पता चला कि सेतु का निर्माण हो गया है तो हनुमान जी ने पर्वत को वहीं जमीन पर रख दिया। पर्वत ने कहा कि मैं न तो राम के काम आया और न अपने स्थान पर रह सका। पर्वत की मनोदशा श्री हनुमान जी समझ गए और उन्होंने कहा कि द्वापर में जब भगवान राम श्री कृष्ण के रूप में अवतार लेंगे उस समय वह आपको अपनी उंगली पर उठाकर देवता के रूप में प्रतिष्ठित करेंगे। इस तरह हनुमान जी ने गोवर्धन को देवता बनाने की लीला रची।